तो मैंने आज ये कमेंट देखा, द इजीएस्ट बेसिक बाय द वे कस्टम लॉजिक इज आउट ऑन मोबाइल। मैंने कहा है, आई होप यू मेक मोर वीडियोस ऑन इट बट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड विदाउट सबटाइटल्स। अरे यार, मैं तो सबटाइटल रोज लिखता हूँ। हाँ, मुझे पता है मेरी बहुत गलतियाँ होती है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि मैं बिल्कुल सही सबटाइटल लिखूं। सो गाइस, आज की वीडियो में हम सीखेंगे व्यूज पेमेंट कैसे मोबाइल पे यूज किया जाता है। तो गाइस, अब हम आ चुके हैं अपने फोन की स्क्रीन पे। सो यहाँ पर अभी आपको टीन बॉडी जो है ना, ये वाली बॉय, तो इसको ऐड कर देंगे टीनेजर, एंड ये जो हमारा ये जो बॉनफायर है ना, इसको ऐड कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, पहले आपको म्यूज बिहेवियर ऐड करना है। ये वाला जो बटन है ना, यहीं से म्यूज बिहेवियर ऐड होता है कस्टम लॉजिक, तो ये वाला बटन करना। फिर म्यूज बिहेवियर में ऐड बिहेवियर होगा तो इसको ऐसे कर देना। तो अब हम ये कर देते हैं, ठीक है। तो फिर हमारा ये रिपीट एग्जीक्यूट, तो इसका क्या होता है कि रिपीट का मतलब जो हमारी स्क्रिप्ट है वो रिपीट होती रहेगी। तो मैं मान के चलता हूँ कि मतलब अभी मैं तुम्हें इसको प्ले करके दिखा देता हूँ क्या सीन है। तो अगर मैं इसके पास जाऊँगा तो मैं जलूंगा नहीं, तो ये थोड़ा फेक लगेगा क्योंकि बॉनफायर में तो आग जल रही है और मुझे जलना चाहिए। तो फिर इसके लिए हम म्यूज बिहेवियर ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम एडिट में जाते हैं इसको, ठीक है। तो रिपीट का मतलब बार बार चलती रहेगी स्क्रिप्ट, तो हम जब ऐड करेंगे तो ये बार बार चलनी चाहिए हमें बार बार। अभी मैं तुम्हें थोड़ा आगे समझाऊंगा, अभी नहीं समझा रहा हूँ। तो इसमें नोड है, तो ये सब नोड होते हैं। जब एक कंडीशन होगी, मतलब जैसे पास हुआ या कुछ भी हुआ, गेट खोला, तो फिर एक एक्शन ट्रिगर होगा। तो वो क्या ट्रिगर होगा वो हम ऐड कर सकते हैं, जैसे प्ले एनिमेशन, प्ले साउंड, पोजीशन, जो भी डिस्ट्रॉय, ख़त्म कर दो उसको, जो भी है वो तुम ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट बबल वगैरह। तो अभी हम जैसे कि ऑन डेथ, फिर क्या होगा डेथ के बाद, ऑन डोर और डोर के खुलने के बाद क्या होगा, मतलब ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो अभी मैं ऑन प्रॉक्सिमिटी ऐड कर देता हूँ। तो इसका मतलब है कि जब ये हमारा प्लेयर पास आएगा तो फिर क्या होगा, तो तुम्हें ये जो दिख रहा है ना, ये ग्रीन कलर का, इसको पकड़ के और ऐसे जोड़ लेना है। तो ये जो होगा, तुम्हारे दो नोड जुड़ जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें इसको जोड़ना है। अब तुम इसको कहीं पर भी रख सकते हो अपनी मर्जी से। अगर तुम्हें इसे डिलीट करना है तो ये थ्री वाले बटन पे जाना, तुम लोग को दिख रही रहा होगा, ये थ्री ग्रीन कलर का बटन है, उस पर डिलीट और ये बहुत सारे ऑप्शन देख रहे हैं। तो अभी मैं इसको ऐसे ही रख लेता हूँ। अरे यार, ये क्या हो रहा है। हाँ, तो अभी फिर जब हमारे पास आएगा तो क्या होना चाहिए एक्शन, या तो तुम कि चेंज बिहेवियर कर सकते हो, चेंज कैमरा कर सकते हो, कि अगर मैं बॉनफायर के पास आया तो मेरा कैमरा फर्स्ट पर्सन में होना चाहिए, थर्ड पर्सन में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो वो तुम्हारी मर्जी है। खैर, अभी हम डील डैमेज ऐड करेंगे। तो डील डैमेज ऐड करने पर मतलब कि हमें डैमेज पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा जो टारगेट है, अभी हम इसको रिपीट पर दबाएंगे, क्योंकि जब हम क्लोज़र आएंगे तो ये सिर्फ, अगर रिपीट नहीं दबाएंगे तो ये सिर्फ स्क्रिप्ट एक बार चलेगी, लेकिन हमें इसे बार बार चलाना है, बार बार डैमेज करना है जब भी आएगा। तो इसको रिपीट पे दबा देते हैं तो ये रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो हमारा जो टारगेट है वो जो है, पहले हम वेरिएबल बना लेते हैं। मैंने पिछली वीडियो में वेरिएबल नहीं बताया था, तो मैं फिर न्यू गेम ऑब्जेक्ट कर रहा था, मैं फिर परेशान हो रहा था। तो वेरिएबल में तुम्हें ये प्लस करना है और फिर तुम्हें ऑब्जेक्ट बनाना है। इसमें बहुत सारे वेक्टर, थ्री बुलियन, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट मिल जाएगा। तो हम ऑब्जेक्ट अभी करते हैं, एंड इसका ऑब्जेक्ट है ना, इसका नाम हम दे देते हैं बॉनफायर। बॉनफायर करने के बाद तुम्हें क्या करना है, ये जो हमारा टारगेट है, तो गाइस जो हमारा टारगेट है वो खुद होना, वो बॉनफायर होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा बॉनफायर ही हमारा टारगेट है, ठीक है। और जो हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो सेल्फ होना चाहिए। फिर यहाँ पर जो हमारा टारगेट है वो सेल्फ होना चाहिए, ठीक है, मतलब हमारा तीन बॉडी जो है, ठीक है। फिर यहाँ पर तुम्हें क्लोजर देन, तो क्लोजर देन में तुम कितना भी कर सकते हो, डिस्टेंस तो उतना ही होगा, तो मैं तीन कर देता हूँ। तो ये जो तीन, अब मेरे को पता तो है नहीं ज़्यादा, तो अब यहाँ पर ये नाइन कर दूँ इसको। अगर मैं डैमेज को फोर कर दूँ तो मुझे फोर का डैमेज पड़ेगा। अब मेरे को बॉनफायर को, ये जो हमारी बॉनफायर है इसको असाइन कर देना है। मैंने बॉनफायर नाम इसलिए रखवाया क्योंकि आसान हो जाएगा पहचानने में। और अगर तुम्हें कुछ भी नाम रखना है तो कुछ भी रख सकते हो, चाहे तुम गवार रख दो, चाहे कुछ रख दो, वो तुम्हारी मर्जी है। तो मैं इसको ऐसे असाइन कर दूंगा दबा के, फिर इसको हटा दूंगा। फिर क्या करना है, जब मैं इसके पास आऊँगा तो देखो ये मेरे को डैमेज दे रही है, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो। तो बिल्कुल रियल लग रहा है कि बॉनफायर के ऊपर जब हम जा रहे हैं तो डैमेज पड़ रहा है। तुम कितना भी इसको रख सकती हो, तो मैं मर चुका हूँ, ठीक है गाइस। तो ये हमारा कस्टम लॉजिक ऐसे काम करेगा। अब मैं इसमें और कस्टम लॉजिक ऐड करके दिखाता हूँ तुम्हें कुछ और, ठीक है। तो इसको रिमूव करते हैं, इस वाले को,
और जैसे अगर मेरे को वो जो हमारा टीन बॉय है उसको मेरे को डिस्ट्रॉय ही करवाना है, तो मैं उसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो यहाँ पर डिस्ट्रॉय करके इसको जोड़ देना है नोड को ऐसे दबा के, और इसमें जो है मैं अपनी सेल्फ कर देता हूँ। तो अब मैं इस पे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा तो अब प्ले करूंगा तो ये फट डिस्ट्रॉय खत्म, ठीक है। तो ऐसा होगा। अब मैं तुम्हें और भी कुछ मस्त सा कुछ और भी करके दिखा देता हूँ कि जैसे मैं तुम्हें इसको रिमूव कर देते हैं। सबसे पहले तो जैसे मैं अगर जाऊंगा इसके पास जाऊंगा तो मैं और भी कर सकता हूँ, जैसे टेक्स्ट बबल आ जाएगा, जैसे स्टार्ट डायलॉग या टेक्स्ट बबल जो भी आ जाएगा तो वो सामने वाला बोलेगा, मतलब मैं बोलूँगा। तो फिर इसको ऐड करते हैं, तो ये इसमें तो टेक्स्ट का है। तो अभी हम टेक्स्ट बबल में कैरेक्टर को असाइन कर लेते हैं, ये तो हमारा सेल्फ है ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है। तो यूनिटी की भाषा में जो भी, जैसे हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, नॉर्मल लोग के कैरेक्टर है ये सब है, तो ये सब नहीं होता है यूनिटी में। यूनिटी में यह होता है कि हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें ऑब्जेक्ट है। तो फिर यहाँ पर हम टेक्स्ट में जाएंगे तो मैं ऐसे कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो ड्यूरेशन इसकी 2 सेकंड रख लेता हूँ, ठीक है। तो ओके करूँगा, फिर इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो जब मैं इसके पास आऊँगा तो मेरे में से टेक्स्ट बबल आ जाएगा। अब तुम इसमें वो चेंज कर सकते हो कि मतलब मेरे में से ना आके सीधा उसमें आए, क्या कहते हैं, मतलब सेल्फ जो खुद हमारा करेक्टर है उसकी जगह बॉनफायर पे आए। तो बॉनफायर पे जब मैं करूँगा तो ऐसे हो जाएगा, देखना। तो देखो वो बोल रहा है अब। तो ये तुम ऐसा कर सकते हो कस्टम लॉजिक में। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही, और अगर कुछ रिकमेंड करना है तो कर देना, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। बाय।